अब हम लोग म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक ने जो इस पोर्शन को समझाने के लिए जो पहला पॉइंट मेंशन किया है उसमें लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। यानी जीन और डीएनए के बीच में क्या संबंध है इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं अगर हम म्यूटेशन पर अध्ययन करेंगे या म्यूटेशन का अध्ययन करेंगे। देखिए जीन और डीएनए, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? आपको पता है कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ह्यूमन का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसी के सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है और यूजुअली हर जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसके जो सेगमेंट्स होंगे इसको हम कई सेगमेंट्स में डिवाइड करते रहे, तो मान लीजिए ये हो गया एक सेगमेंट, इसको हम बोल देंगे जीन वन, ये हो गया दूसरा सेगमेंट, इसको हम बोल देंगे जीन टू, ये हो गया तीसरा सेगमेंट, इसको बोल देंगे हम जीन थ्री। ऐसे ही बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और उस पर ये जो सेगमेंट्स हैं इन्हीं को जीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल और उस डीएनए मॉलिक्यूल पर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो ये तो हो गया जीन और डीएनए के बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है। अब इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम म्यूटेशन की स्टडी करते हैं। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए इज बेस्ट अंडरस्टूड बाई म्यूटेशन स्टडीज, ठीक है। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए में किसी भी प्रकार के चेंज को म्यूटेशन कहा जाता है। तो एनी चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल और डीएनए मॉलिक्यूल के जो यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीन्स। तो एनी चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल और जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक, इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये बड़ा मतलब सुपरफिशियल डेफिनेशन है कि म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो म्यूटेशन का मतलब हुआ कि डीएनए में किसी प्रकार का चेंज हुआ और उससे प्रॉपर्टी बदल जाए ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की, तो वो म्यूटेशन माना जाएगा। तो म्यूटेशनल प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिटेबल होती हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक। तो म्यूटेशन क्या है? यह किसी भी प्रकार का चेंज है डीएनए मॉलिक्यूल में या जीन्स में, ठीक है। अब यहां पर म्यूटेशन कितने तरह का होता है, कौन कौन से तरह के म्यूटेशन होते हैं, इसका कुछ जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है, ठीक है। अब जैसे पॉइंट म्यूटेशन का जिक्र है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है? तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब किसी जीन में एक सिंगल बेस पेयर का चेंज होता है, जो पहले बेस पेयर था जीन में किसी जगह पर, उसी जगह पर कोई दूसरा बेस पेयर आ गया, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है?
चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ अ जीन या इन अ जीन. तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ अ जीन इसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है. तो पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल होगा सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्लियर हुआ. इसमें होता क्या है एक बार रिकॉल करते रहे हैं कि इसमें जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें आपको मालूम है चार चेन्स होते हैं, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन. तो जो अल्फा चेन बनाने वाली जीन होती है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो बीटा चेन बनाने वाली जीन होती है ठीक है ना, उसमें उस जीन में एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है. पहले जो बेस पेयर था उसके जगह दूसरा बेस पेयर आ जाता है, और उस तरह से जो बीटा चेन में पहले जो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट नाम का अमीनो एसिड रहता था उस बीटा चेन में उसके जगह पर वैलिन आ जाता है. तो सिंगल बेस पेयर चेंज से ग्लूटामेट के जगह वैलिन आ जाता है ग्लोबिन चेन में, और उसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाती है. डिटेल में हम पहले इसको बता चुके हैं, आप वापस जाकर के उस लेक्चर को फिर से सुन सकते हैं. आई बात समझ में? तो यहां सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है उसी चीज को एक बार आप यहां पर रिकॉल कर लीजिए कि जो सिंगल बेस पेयर चेंज बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन जो है वही जीन है जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन बनाता है. तो सिंगल बेस पेयर चेंज होता है बीटा ग्लोबिन जीन में, और इसके वजह से डिफेक्टिव बीटा चेन इस फॉर्म, डिफेक्टिव बीटा चेन बनती है. और वो क्या डिफेक्ट आता है, नॉर्मल बीटा चेन में जिस जगह पर ग्लूटामेट होता है या ग्लूटामिक एसिड होता है, डिफेक्टिव बीटा चेन में इस सिंगल बेस पेयर चेंज से वैलिन आ जाता है. तो यहां पर मतलब वैलिन कम्स इन प्लेस ऑफ ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आप देखेंगे पॉइंट म्यूटेशन में, तो पॉइंट म्यूटेशन में आप पाएंगे कि जो प्रोटीन बनती है पॉइंट म्यूटेशन के बाद उसमें सिंगल अमीनो एसिड का चेंज आ जाता है. तो पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल अमीनो एसिड का चेंज आता है किसी प्रोटीन चेन में. ठीक है, ये पहचान है, बाकी सारे अमीनो एसिड सेम रहेंगे, सिर्फ एक जगह अमीनो एसिड बदल जाएगा, पहले जो अमीनो एसिड है उसके जगह दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा. और ये होता है सिंगल बेस पेयर चेंज से. ठीक है, तो ये हो गया जो एनसीईआरटी बुक में पॉइंट म्यूटेशन का जिक्र किया है और उसमें सिकल सेल एनीमिया को एग्जाम्पल के रूप में समझाया है. यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन के वजह से होता है, यानी बेस पेयर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी जीन में उनको रिप्लेस कर देता है कोई दूसरा बेस पेयर, यानी इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है. तो एक तरह से पॉइंट म्यूटेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है. ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं लिखा है बट मैं इसको समझा दे रहा हूँ. तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन
म्यूटेशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। मान लीजिए कोई जीन है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो अब यहां लाइन से बेसिस है, मान लीजिए ए है, टी है, जी है, सी है, फिर ए है, टी है, जी है, उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड पर ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, यहाँ जी हो गया, ए टी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। अब ये एक जीन है, ठीक है, एक जीन है, ये इतना पोर्शन एक जीन का है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि ये वाला जो बेस पेयर है वो बदल गया, मतलब पहले जी सी था और इस जगह पर मान लीजिए जी के जगह पर यहां पर ए आ गया, और जब यहां इस स्टैंड में आएगा तो उसके सामने वाले स्टैंड में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस जीन में बाकी सभी जगहों पर कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी सभी जगहों पर कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह पर ही चेंज हुआ, ठीक। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि GC के जगह पर AT आ गया, यानी G को हटा करके उस जगह पर क्या आ गया, A आ गया, और जब G को जगह हटा करके A आएगा तो C के जगह पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर। तो जो एनसीईआरटी बुक ने चेंज इन सिंगल बेस पेयर लिखा है वो किस प्रकार का चेंज है, सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ जो एक बेस है उसको हट गया और उसके जगह पर दूसरा बेस आ गया, रिप्लेसमेंट हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ बेस, ठीक है, तो उसको रिप्लेसमेंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी बुक ने एक दूसरा म्यूटेशन का जिक्र किया है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन यानी पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो स्मॉल चेंज करता है, छोटा चेंज करता है कैरेक्टर में, पूरा चेन में अमीनो एसिड हर जगह सेम रहेगा, सिर्फ एक जगह अमीनो एसिड बदल जाएगा, तो वो एक अमीनो एसिड का बदलाव जो है वो छोटा चेंज माना जाता है, हालांकि उसका इफेक्ट बड़ा हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो म्यूटेशन की बात है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है इसमें क्या होता है, इसमें किसी जीन में बेसिस का एडिशन होता है या डिलीशन होता है, एडिशन या इंसर्शन दोनों एक ही चीज है, और डिलीशन हो सकता है, इंसर्शन या डिलीशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ड्यू टू इंसर्शन, या इसी को एडिशन कहा जाता है, इंसर्शन और एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस। अब वो एक बेस का इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है, दो बेस का इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है, या मेनी या थ्री बेस का एडिशन और डिलीशन हो सकता है। इन तीनों टाइप्स का डिस्कशन एनसीईआरटी बुक में है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है, जब बेसिस का एडिशन होगा या डिलीशन होगा किसी जीन में। तो इट इज ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेसिस इन अ जीन और डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक। कहने का क्या मतलब है आइए समझिए। सपोज करिए कि एक जीन है, उसका एक स्ट्रैंड को हम खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर ए है, यहां टी है, यहां जी है, यहां सी है, यहां फिर ए है, फिर टी है, फिर सी आ गया, ठीक है। तो
इसके सामने दूसरा स्ट्रैंड भी आप बना देंगे, क्योंकि जीन जो डीएनए का पार्ट है तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा तो जीन भी डबल स्ट्रैंड होगा, तो ए के सामने यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ टी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में कर रहा हूँ, यहाँ ए होगा, यहाँ जी होगा, ठीक है। तो इंसर्शन का मतलब हो गया कि इनमें मान लेते हैं टी और जी के बीच में एक नया बेस आकर के इंसर्ट हो गया, नया बेस आकर के इंसर्ट हो गया, मान लीजिए वो बेस है टी, क्या है टी। तो जब यहां टी आके इंसर्ट हो जाएगा तो इसके सामने यहां पर क्या आ जाएगा, जब ये नया स्ट्रैंड बनेगा तो इसके सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसर्शन, पॉइंट ऑफ इंसर्शन यानी इसी जगह पर नया बेस इंसर्ट हुआ है, नया बेस आया है टी और जी के बीच में, एक नया बेस आया है, कौन सा नया बेस आया है, टी आया है। तो यहां पर कोई बेस सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, रिप्लेस नहीं हुआ, बल्कि यहां पर एक नया बेस ऐड हो गया उस जीन में, ठीक। तो जब नया बेस ऐड हो गया जीन में और जिस पॉइंट पर ऐड होगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसर्शन या एडिशन। तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन या एडिशन, नया बेस ऐड हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंसर्शन का मतलब क्या होता है। तो इंसर्शन का मतलब होता है जब किसी जीन में ऑलरेडी जितने बेसेस मौजूद हैं उनमें ही कोई नया बेस आकर के घुस जाए तो उसी को बोलते हैं इंसर्शन या एडिशन। और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेस जो है वो निकल जाए, सपोज करो ये ए बेस है, ये निकल गया, एग्जिट कर गया। तो जब ये निकल जाएगा तो अब जब ये स्ट्रैंड रिप्लिकेट करेगा, इसके सामने जब डॉटर स्ट्रैंड बनेगी जो ये वाली, तो उसमें जब ए हट गया तो इसके सामने टी तो आएगा नहीं, तो इसमें टी भी गायब हो जाएगा। जब इसमें ए गायब होगा तो सामने वाले स्ट्रैंड में टी भी गायब हो जाएगा, जब ये डॉटर डीएनए बनाएगा अपना, ठीक है, रिप्लिकेशन के बाद। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डिलीशन, यानी सी और टी के बीच में जो ए बेस था वो डिलीट हो गया, वो निकल गया इसमें से, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिलीशन। तो पॉइंट ऑफ डिलीशन का मतलब समझ में आ गया कि जिस जगह से डिलीशन हुआ है जीन में, और पॉइंट ऑफ इंसर्शन का मतलब है जिस जगह से बेस ऐड हुआ है जीन में। तो फ्रेम शिफ्ट माना जाता है, तो कैसे फ्रेम शिफ्ट माना जाता है वो अभी हम आपको समझा देंगे। पहले तो मैं बस ये समझा रहा हूं कि इंसर्शन क्या होता है और डिलीशन क्या होता है। इंसर्शन में कोई बेस आकर के जीन में ऐड हो जाता है और डिलीशन में कोई बेस जो है वो जीन से निकल जाता है। यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है इसलिए पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। पॉइंट म्यूटेशन में कभी भी एडिशन और डिलीशन नहीं होता है, यानी इंसर्शन और डिलीशन नहीं होता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, जो बेस है उसको हटा करके उसके जगह नया बेस आ जाता है। ये नहीं कि दो बेस के बीच में जबरदस्ती घुस गए या दो बेस के बीच में कोई बेस है वो हट गया वहां से, ऐसा नहीं होता। तो पहले तो ये क्लियर रखिएगा कि पॉइंट म्यूटेशन में डिलीशन और इंसर्शन नहीं होता है। डिलीशन इंसर्शन किस में होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता है। आई बात समझ में। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हर बार होगा डिलीशन और एडिशन से, ये भी जरूरी नहीं है, वो आगे हम समझाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि सिंगल बेस या डबल बेस या ट्रिपल बेस का एडिशन या डिलीशन हुआ है, कब फ्रेम शिफ्ट होगा कब नहीं, वो आगे का विषय है। तो आपको ये समझा दिया कि व्हाट इज इंसर्शन और एडिशन एंड व्हाट इज डिलीशन, एंड नाउ वी विल एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड डिलीशन एज वेल एज इंसर्शन। अब आइए फ्रेम शिफ्ट शब्द को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेम शिफ्ट। देखिए मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, एक स्ट्रैंड है और इससे आरएनए बन रहा है, आरएनए बनेगा ही, तो मान लो ये डीएनए मॉलिक्यूल है और इससे ये आरएनए बनेगा, ठीक। अब समझो ये 5-2-3 एंड है जीन का, ये बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसके एक पर्टिकुलर जीन की बात कर रहे हैं और इससे आरएनए बन रहा है, ये मैसेंजर आरएनए है, तो इसको हमने लिख दिया डीएनए मॉलिक्यूल, सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल यानी ये जीन है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है यानी ये जीन है और ये है मैसेंजर आरएनए, ठीक, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक। तो
मैसेंजर आरएनए जो है वो 3-5 स्ट्रैंड पर ही बनता है, यानी इस वाले स्ट्रैंड से बनता है, बता चुके टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5-2-3 एंडो का मैसेंजर आरएनए का, पहले बता चुके हैं, जो कि इसी स्ट्रैंड से बनेगा, ठीक। अब समझिए, मान लेते हैं कि इसमें जो सीक्वेंस है 3-5 एंड में ऐसे ही बना लेते हैं, ये जी है, सी है, ए है, टी है, सी है, जी है, फिर जी है, फिर सी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर जी है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए, अब इसके सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री हो तो आप बना लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ, ये सी हो गया, ये जी हो गया, ये टी हो गया, ये ए हो गया, ये जी हो गया, ये सी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया। ये डीएनए मॉलिक्यूल का सेगमेंट है, यानी एक जीन में जो बेस पेयर्स हैं वो बता दिया। अब इसमें जो 3-5 वाला जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, उससे आरएनए बनेगा। तो आरएनए बनेगा, तो अब आरएनए बनेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आएंगे जी के सामने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ पर ए है तो उसके सामने टी आएगा, आरएनए में टी नहीं होता तो क्या आता है, यू आता है, फिर टी है तो यहाँ ए आ गया, यहाँ जी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया, यहाँ भी जी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर यू आ गया, ए के सामने यू आरएनए है तो यहाँ जी आ गया और यहाँ पर सी आ गया। ये सिक्वेंस हो गया मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए पर जो बेस का सीक्वेंस होता है उसी को कोडॉन कहा जाता है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो मान लेते हैं ये कोडॉन हो गया, ये कोड फर्स्ट हो गया, कोडॉन फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे कोडॉन सेकंड, इसको बोलेंगे कोडॉन थर्ड, ठीक है, कोडॉन थर्ड, और इसको बोल देंगे कोडॉन फोर्थ। तो चार कोडॉन हैं या चार कोड हैं, ठीक है, और इसी को एनसीईआरटी बुक ने राम हैज रेड कैप लिखा हुआ है। पहले कोडॉन को राम, इसको मान लिया आर ए एम, राम हैज आर ई डी रेड और सी ए पी कैप, मतलब उसने सी के जगह आर, जी के जगह ए, यू के जगह एम, ए के जगह एच, जी के जगह ए, सी के जगह एस, ऐसे मान लिया है, ठीक है, मतलब वो कोई भी अल्फाबेट को मान लिया है समझाने के लिए, कि मान लो एक आप वर्ड, आपने कुछ वर्ड से आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कैसे इंसर्शन या डिलीशन होने से वो स्टेटमेंट बिगड़ जाता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, आगे पीछे ये जो लेटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे फ्रेम बिगड़ जाता है। तो समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक ने राम हैज रेड कैप, मतलब ये राम पहला कोडॉन हो गया, हैज दूसरा कोडॉन हो गया, रेड तीसरा कोडॉन हो गया, और कैप चौथा कोडॉन हो गया, क्योंकि हर कोडॉन में तीन बेसेस होते हैं, यानी हर कोडॉन में तीन लेटर्स होते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी बुक ने जो चार वर्ड चुन करके स्टेटमेंट बनाए हैं वो हर वर्ड वो तीन लेटर का है, राम में भी तीन लेटर है, हैज में भी तीन लेटर है, रेड में भी तीन लेटर है, और कैप में भी तीन लेटर है। तो आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, ठीक है, जो इन जो रियल में जो कोडॉन्स होते हैं उनसे समझिए, या एक ऐसे हाइपोथेटिकल आप एक स्टेटमेंट बनाइए चार वर्ड का, तीन तीन लेटर के हर वर्ड हो, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के सेगमेंट से यानी जीन से आपने मैसेंजर आरएनए बना लिया, और उस मैसेंजर आरएनए में मान लो चार कोडॉन्स आपके हैं, और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने वाली है, तो हर कोडॉन से एक अमीनो एसिड आएगा, तो चार कोडॉन है मान लेते हैं, तो उससे चार प्रोटीन आएगी, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन का कोई यहाँ कंसेप्ट नहीं ला रहे हैं, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो वहां समझाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि जो प्रोटीन बनेगी, जो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी, आपको मालूम है कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो जो प्रोटीन बनेगी उसमें पहले कोडॉन से मान लीजिए एक अमीनो एसिड आएगा, उस अमीनो एसिड को एक्स मान लिया, दूसरे कोडॉन की वजह से जो अमीनो एसिड आएगा उसको हमने वाई मान लिया,
और तीसरे कोडॉन से जो अमीनो एसिड आएगा उसको हमने जेड मान लिया, और चौथे कोडॉन से जो अमीनो एसिड आएगा उसको हमने ए मान लिया। तो जो प्रोटीन में अमीनो एसिड आएगा वो होगा एक्स वाई जेड ए, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा एक्स वाई जेड ए। तो प्रोटीन जो होगी वो क्या होगी, एक्स वाई जेड ए। तो नॉर्मल केस में जब अभी कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझाने वाले हैं, तो अभी जब कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है तो कौन सी प्रोटीन बन रही है, एक्स वाई जेड ए, ठीक है। अब यहां पर हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझाएंगे। तो याद रखिए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या तो इंसर्शन से होता है या तो डिलीशन से होता है। तो हम यहां पर इंसर्शन दिखाएंगे आपको, हम यहां पर इंसर्शन दिखाएंगे, और यहां जो इंसर्शन करेंगे वो अब एनसीईआरटी बुक ने यहां पर बी लेटर को घुसा दिया है, राम और हैज के या रेड, मतलब हैज और रेड के बीच में। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां बी को घुसा दिया है, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको यहां पर इंसर्शन, तो हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को समझाने जा रहे हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू इंसर्शन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू इंसर्शन, यानी इंसर्शन की वजह से जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है उसको हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंसर्शन ऑफ वन बेस अगर होगा तो मैसेंजर आरएनए जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, 5-2-3 है ये mRNA, क्योंकि म्यूटेशन तो डीएनए में होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम कहने का मतलब है कि हम ऐसे ही लिख देते हैं CGUAGC, और फिर हमने इन दोनों C के बीच में एक घुसा दिया, एक नया बेस A घुसा दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने A घुसा दिया, ठीक है। जब A घुसा दिया तो A के बाद यहां क्या आ जाएगा, CG आ जाएगा, ठीक है, और AUG हो जाएगा, और ये C बच जाएगा, ठीक है, इसके आगे चला जाएगा। तो कहने का मतलब आप ध्यान से देखिए, ये वन बेस का इंसर्शन ऑफ वन बेस हुआ बिटवीन CC, उसी को एनसीईआरटी बुक में क्या दिखाया है, राम तो लिखा ही HAS, और उसने बी को इंसर्ट करा दिया है, ठीक है ना, बी को इंसर्ट करा दिया है आर के पहले, आर ही हो गए, क्योंकि एक कोडॉन 3 लीटर का हो सकता है। तो जैसे बी आया तो रेड के पहले अगर बी आएगा तो बी आर ही, अब ये 3 लीटर हो गया, और जो डी है वो इसके हिस्से में चला जाएगा। तो डी सी ए और ये पी अलग हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अब देखिए कैसे कोडॉन का नेचर चेंज हो जाएगा, ये तो कोडॉन 1 ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये कोडॉन 2 था इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो कोडॉन 3 था वो चेंज हो गया, कोडॉन 3 चेंज हो गया कि नहीं। पहले कोडॉन 3 क्या था, CGA था, अभी कोडॉन क्या हो गया, ACG हो गया, और इसके बाद इसके आगे का कोडॉन भी चेंज हो गया, क्योंकि इसका लेटर इसमें शामिल हो गया, इसका लेटर इसके आगे वाले कोडॉन में घुस जाएगा। तो ये कोडॉन जो हो गया ये भी चेंज हो गया, कोडॉन 4 जो है वो भी चेंज हो गया, चेंज, ठीक। तो कोडॉन 3 भी चेंज हो गया, कोडॉन 4 भी चेंज हो गया, आई बात समझ, ऐसे इसके आगे के सभी कोडॉन चेंज हो जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन के आगे जो कोडॉन का फ्रेम होता है वो शिफ्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, समझ में। तो आप एक लेटर इसमें घुसा देंगे और हर वर्ड 3 ही लेटर का होगा, तो इसमें क्या लेटर इसका आगे वाले वर्ड का हिस्सा हो जाएगा, इसमें क्या लेटर इसके आगे वाले वर्ड का हिस्सा हो जाएगा। तो फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, कोडॉन जो है वो बदल गया वहां से जहां से इंसर्शन हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन जब
से फ्रेम क्या हो जाता है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन फ्रेम इज शिफ्टेड, फ्रेम इज शिफ्टेड, इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक, ये बात क्लियर है। ऐसे ही आप एक बेस का या एक वर्ड का आप इंसर्शन कर रहे हैं, आप दो वर्ड का भी इंसर्शन कर सकते हैं, दो वर्ड एक साथ जोड़ दीजिए तो इसमें से दो वर्ड निकल के इसके हिस्से में आ जाएंगे, तीन वर्ड जोड़ देंगे तो तीन वर्ड अगर जोड़ देंगे तो एक नया कोडाम ही आपने बीच में घुसा दिया, क्योंकि हर कोडाम में तीन लेटर है, आपने तीन लेटर दे दिया तो उसमें वही कोडाम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आप फिलहाल ये ध्यान रखिए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो कि इंसर्शन के वजह से होता है, वन बेस ऑफ इंसर्शन के वजह से होता है, उसमें किस प्रकार का चेंज आता है। तो आप देखेंगे कि जिस जगह से, जिस पॉइंट से इंसर्शन हुआ है, उस पॉइंट से फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और कोडाम वहां से बदल जाते हैं। तो अब मान लो ये अगर प्रोटीन बनाएगा, मान लो ये प्रोटीन अगर बनती है, अब इससे जो प्रोटीन बनेगी तो इसमें तो ये कोडाम बदला नहीं है, तो एक्स अमीनो एसिड ही आएगा, इस कोडाम की वजह से इस प्रोटीन में वाई अमीनो एसिड ही आएगा। लेकिन अब ये तो कोडाम बदल गया है, ए सी जी हो गया, और यहाँ कोडाम क्या है, सी जी ए है, तो ये जो प्रोटीन बुलाएगा अपने पास, अब वो जाहिर सी बात है जेड तो होगा नहीं, मान लो वो क्यू प्रोटीन बुलाएगा, और ए यू जी, ये भी कोडाम बदल गया है, पहले यू जी सी था, इस जगह पर अब ए प्रोटीन के जगह पर यहाँ मान लो यहाँ पर पी प्रोटीन आ जाएगी। तो ये जो प्रोटीन बनेगी, इस प्रोटीन में आप देखोगे कि बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो बदले हुए होंगे पहले के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है एक बड़ा म्यूटेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन बनेगी उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएंगे, और वो उस जगह से चेंज होंगे जहां से कोडॉन चेंज हो गया है, जहां से कोडॉन चेंज नहीं हुआ है वहां वो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ इस पॉइंट से आप देख रहे हैं कोडॉन चेंज हो गया है, तो इस पॉइंट से प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो भी बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक बड़ा म्यूटेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बनने वाली प्रोटीन है वो ओरिजिनल प्रोटीन से काफी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड बदल जाते हैं। जबकि पॉइंट म्यूटेशन में तो सब्स्टिट्यूशन था, सिर्फ एक बेस हट करके उसके जगह दूसरा बेस आया था, तो वो बेस सिर्फ एक ही कोडॉन का पार्ट होगा, तो सिर्फ एक ही कोडॉन बदलेगा, उसके पहले और उसके बाद का कोई कोडॉन चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट म्यूटेशन में किसी प्रोटीन में सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन से बनने वाले किसी प्रोटीन में सिर्फ एक अमीनो एसिड का परिवर्तन आएगा, बाकी अमीनो एसिड वही के वही रहेंगे, तो वो छोटा चेंज माना जाता है, फिर भी उसका इफेक्ट बड़ा होता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो बहुत बड़ा चेंज है, तो इफेक्ट भी बहुत बड़ा होगा इसका पॉइंट म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब यहां पर ध्यान रखना है, जो म्यूटेशन होता है वो आरएनए में नहीं होता, होता किसमें, डीएनए में होता है। तो कहीं सर आपने तो आरएनए में राम हैज बी आर ई बी, इसमें आरएनए में दिखाया है, आपने ए को घुसाया है आरएनए में, बेटा यहां पर डायरेक्ट हमने ए में दिखा दिया। एक्चुअली यहां पर जो चेंज होगा ना, वो देखिए आप, ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन आरएनए का बना, ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन आरएनए का बना, ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन बना, ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन बना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है। तो ये जो दो जी देख रहा हूं ना, इसके एक्चुअली जो इंसर्शन होता है या डिलीशन होता है वो डीएनए में होता है, और उसके कारण जो आरएनए बनता है वो यहां पर आपको ऐसे दिखेगा। अब जैसे मान लो हमने यहां बोला कि यहां ए आ गया दो सी के बीच में, तो दो सी के बीच में जब यहां ए आया तो ये तभी आएगा ना जब यहां पर इस डीएनए में यहां टी इंसर्ट हुआ होगा, टी इंसर्शन हुआ होगा। अब जब यहां टी का इंसर्शन हुआ होगा तभी ना जब ये इससे आरएनए बनेगा तो यहां पर ए घुसेगा, वही ए घुसा है, और जब यहां ए घुसा है तो ए सी जी ये कोडॉन 3 हो गया, और ए यू जी ये कोडॉन 4 हो गया, और सी बच गया, वही ए सी जी कोडॉन 3 हो गया, ए यू जी कोडॉन 4 हो गया, और सी बच गया। तो ये जो इंसर्शन या डिलीशन होता है वो डीएनए में होता है, यानी जीन में होता है, और उससे जो आरएनए बनता है उसमें उसका असर आता है, और उससे प्रोटीन बनती है उसका असर आता है। तो हमने जो ए यहाँ पर जो ए यहाँ लिखा है बेटा, वो ए कैसे आया है, क्योंकि जिस डीएनए से बना उस डीएनए में इसी जगह पर क्या घुस गया था, टी घुस गया था। तो इंसर्शन इनफैक्ट जीन में होता है,
और उससे जब आरएनए बनता है तो उसे इंसर्शन का इफेक्ट आरएनए में भी आ रहा है एक रूप में, और इस वजह से आरएनए में जो कोडॉन का फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया है। आई बात समझ? तो अब यहां पर जैसे सिंगल बेस का इंसर्शन दिखाया है, एडिशन दिखाया है, आप डबल बेस का दिखा देंगे, डबल बेस का दिखा देंगे तो यहाँ बी के साथ आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं, बी के साथ आई भी जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर दो बेस का इंसर्शन दिखा देंगे, बी के साथ आप क्या जोड़ सकते हैं, आई जोड़ सकते हैं, तो बी और आई दोनों जोड़ दीजिए। तो बी और आई दोनों जोड़ देंगे तो अब क्या होगा, ये ई भी इधर चला जाएगा तो अब बी आई आर हो जाएगा कोडॉन, और ई जब इधर जाएगा तो ई डी सी एक कोडॉन हो जाएगा, और ए फिर आगे चला जाएगा, पी के साथ चला जाएगा, तो फ्रेम और शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर आप तो हो जाएगा दो बेस का इंसर्शन। अब इसमें एक और बेस इसी जगह पर जोड़ सकते हैं, जी एक और जोड़ दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा कि जब यहां जी जोड़ देंगे तो पी पहले जोड़े थे, आई उसके बाद जोड़े, जी उसके बाद जोड़े, तो तीन लेटर तो आएगा, तो एक कोडॉन खुद ही बन गया, और आर ये दोनों इसके हिस्से में चले आएंगे, तो हो जाएगा राम हैज बिग आर इंडिया में कोडॉन हो गया, और कैप, तो राम हैज बिग रेड कैप हो जाएगा जब तीन बेस आप इसमें घुसा देंगे। तो अब यहां पर राम हैज रेड कैप था, लेकिन अब यहां पर राम हैज बिग रेड कैप आ गया। तो बिग रेड कैप आ गया मतलब क्या है कि एक नया कोडॉन ही बीच में घुस गया रेड और हैज के बीच में। तो रेड की वजह से जो प्रोटीन आएगी जेड, और कैप की वजह से जो प्रोटीन आएगी है वो तो आएगी एक्स और वाई के बीच में, बिग आने की वजह से एक नया प्रोटीन आ जाएगा, ठीक, सॉरी नया अमीनो एसिड आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड यहां पर बढ़ जाएगा और बाकी अमीनो एसिड वही रहेंगे। ठीक है, तो आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है। और हमने एक बेस का यहां पर इंसर्शन कराया है, दो बेस का करा लीजिए, तीन बेस का करा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप एक बेस या दो बेस का इंसर्शन कराते हैं तो वहां से फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाता है और पूरा कोडॉन बदल जाता है, लेकिन जब आप तीन बेस का इंसर्शन कराएंगे एक ही साथ, तो तीन बेस अगर आप डाल देंगे तो एक नया कोडॉन वही बन गया, और उसके आगे के कोडॉन्स जो उसके आगे कोडॉन होंगे वो पहले वाले ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि आपने तीन नया बेस ही डाल दिया ना, तो एक नया कोडॉन बन गया, अब उसके आगे का थोड़ी ना बदलेगा। जैसे मान लो पहले क्या था, राम हैज रेड कैप, अब आर के पहले आप बी आई जी ये तीन बेस यहां घुसा दीजिए, तो रेड तो वही रहा, कैप तो वही रहा, तो राम हैज बिग रेड कैप हो जाएगा, एक बिग ऐड हो गया, और बिग की वजह से एक नई अमीनो एसिड आ जाएगी। ठीक, तो बिग के पहले जो अमीनो एसिड होगा वो सेम रहेगा, बिग के बाद जो अमीनो एसिड रहेगा वो सेम रहेगा, बस बीच वाला अमीनो एसिड एक नया आ जाएगा। तो ये चीज एनसीईआरटी समझा है। तो जैसे आपने इंसर्शन कराया है आप डिलीशन भी करा सकते हैं, मतलब आप क्या करिए कि ये जो टी स्मैड है इसमें एक जी को गायब करा दीजिए, तो डिलीशन हो गया। जब जी को गायब करा देंगे, ठीक है, तो यहां पर ये सी भी गायब हो जाएगा क्योंकि जी की वजह से यहां सी आया। जब सी भी गायब हो जाएगा तो अब देखिए क्या होगा, तो ये तो पहला कोड है, लेकिन ये दूसरा कोड का सी गायब होगा तो ये वाला सी इधर आ जाएगा, और इस जी अब असल है इस जी के साथ अब ये ए और यू इसका हिस्सा बन जाएगा, तो फ्रेम यहां भी शिफ्ट होगा, लेकिन फ्रेम यहां आगे बढ़ता जाएगा। फ्रेम एडिशन के केस में पीछे आ रहा था, डिलीशन के केस में फ्रेम आगे आ जाएगा, आगे मतलब फाइंड डेसेंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कोडॉन या जेनेटिक कोड का फ्रेम आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है, शिफ्ट होता है डिलीशन या एडिशन दोनों से। ठीक है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब भी आप ध्यान देंगे तो इसमें इसी के आधार पर हम डिलीशन म्यूटेशन या एडिशन म्यूटेशन कहते हैं। अब अगर आपने नया बेस जोड़ दिया है उससे फ्रेम इससे नए नए कोडॉन्स और बन गए हैं, या आप तो उसको एडिशन म्यूटेशन कह देंगे, इंसर्शन म्यूटेशन कह देंगे, अगर इसमें से आपने कोई बेस हटा दिया है तो भी नए नए कोडॉन्स बनेंगे पॉइंट ऑफ एडिशन या पॉइंट ऑफ डिलीशन वाले साइड से। तो ये हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और एक बड़ा म्यूटेशन इसको कहा जाता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए 5' एंड है, ये 3' एंड है, और यहां पर ए सी जी है,
यू सी है, फिर जी ए सी है, फिर यू ए सी है, ठीक है, ये हो गया। ये कोडॉन है, मैसेंजर आ रहे हैं जो कि डीएनए से बना है, जीन से बना है। दिस इज कोडॉन वन, दिस इज कोडॉन टू, दिस इज कोडॉन थ्री, दिस इज कोडॉन फोर, ठीक है। अब इससे प्रोटीन आ रही है, मान लीजिए एक्स, इससे प्रोटीन आ रही वाई, इससे प्रोटीन आ रही जेड और इससे प्रोटीन आ रही ए, ऐसे हमने मान लिया। तो ये प्रोटीन है और ये एक्स वाई जेड और ए अमीनो एसिड वाली प्रोटीन आ रही है, ठीक है। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर एक बेस का हो रहा है तो जो बेस जिस जगह से इंसर्ट हुआ तो वो बेस क्या करेगा, जो जिस पॉइंट ऑफ इंसर्शन है उस पॉइंट ऑफ इंसर्शन में जो बेस होगा उसके आगे वाले लेटर को अगले कोडॉन में शिफ्ट कर देगा। तो ये वाला भी इसका पार्ट हो जाएगा और ये वाला भी इसका पार्ट हो जाएगा, बताए थे फ्रेम शिफ्ट हो गया। और अगर डिलीशन हुआ, माने ए यहां से डिलीट कर दिया, तो ये वाला बेस अब इस वाले कोडॉन का पार्ट हो जाएगा, ये वाला बेस अब इस वाले कोडॉन का पार्ट हो जाएगा, तो यहां भी फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो सिंगल बेस या डबल बेस का एडिशन या डिलीशन होगा तो फ्रेम शिफ्टिंग होगी। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी पॉइंट ऑफ इंसर्शन में आप तीन बेस इंसर्ट कर देते हैं, तीन बेस इंसर्ट कर देते हैं, मान लेते हैं यहां पर इंसर्ट कर दिए जी जी जी, तीन बेस इंसर्ट कर दिए, तो जब तीन बेस इंसर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे ये कोडॉन नहीं बदलेगा, ये कोडॉन नहीं बदलेगा, ये कोडॉन नहीं बदलेगा, ये कोडॉन नहीं बदलेगा। पॉइंट ऑफ इंसर्शन पर जब तीन बेस आए तो यहाँ जी 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 आ गया, तो जी 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 जब आ गया तो ये जी 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 एक अलग प्रोटीन को, एक अलग अमीनो एसिड को यहाँ बुला लेगा। ये मान लो क्यू अमीनो एसिड आ जाएगा, भाई ये कोडॉन से तो ये अमीनो एसिड आएगा ही, ये कोडॉन से ये अमीनो एसिड आएगा ही, इस कोडॉन से एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा, इस कोडॉन से जेड अमीनो एसिड आएगा, इस कोडॉन से ए अमीनो एसिड आएगा। यानी पहले जो प्रोटीन थी उसमें एक्स वाई जेड ए अमीनो एसिड था, अब जो प्रोटीन है उसमें वाई और जेड के बीच में एक नया अमीनो एसिड आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोडॉन के बीच में नया कोडॉन बन गया। नया कोडॉन मतलब तीन बेसेस आपने घुसा दी, तो वही कह रहा है कि वन न्यू कोडॉन इज इंसर्टेड। अगर तीन बेसेस आप ला देंगे तो वन न्यू कोडॉन इज इंसर्टेड और एक वन न्यू अमीनो एसिड विल इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन, विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन। ऐसे ही इसके मल्टीपल में, अगर इसके मल्टीपल आप अगर इसमें बेसेस इसमें डाल दीजिए, मल्टीपल बेसेस का मतलब है तीन है, तीन के बजाय आप छह डाल दीजिए, तो तीन से एक कोडॉन और फिर एक और तीन डालिए तो दो कोडॉन इसके जी जी जी, ऐसे ही इसमें इसके बीच में आप तीन कोडॉन और घुसा दीजिए, सी ए सी कर दीजिए, तो जी 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 से एक अमीनो एसिड आ जाएगा और सी ए सी से भी एक और अमीनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। मान लो के, तो अब मतलब आपने पहले तीन बेस डाला तो एक अमीनो एसिड आया, अब आप छह बेस डालेंगे तो दो अमीनो एसिड आ जाएगा, क्योंकि हर तीन बेस से एक कोडॉन बनता है और एक अमीनो एसिड को वो कोड करता है। तो वही एनसीईआरटी बुक लिखता है कि जब आप एडिशन म्यूटेशन करते हैं खासकर, तो उस केस में इंसर्शन म्यूटेशन करते हैं या देखते हैं, तो उस केस में तीन बेस या तीन के मल्टीपल में अगर आप इंसर्शन करते हैं तो मतलब कोडॉन्स भी बढ़ जाते हैं भाई। दो अगर आप तीन बेस इंसर्ट किए तो एक कोडॉन बढ़ जाएगा, और मान लो छह बेस इंसर्ट किए तो दो कोडॉन बढ़ जाएगा, नाइन बेस इंसर्ट किए तो तीन कोडॉन बढ़ जाएगा, तो उस तरीके से हर कोडॉन से एक एक अमीनो एसिड बढ़ता चला जाएगा। ये चीज अपने आखिरी पैराग्राफ में म्यूटेशन को समझाते हुए, म्यूटेशन से संबंधित एनसीईआरटी बुक ने एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में, टीआरएनए एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि टीआरएनए क्या है, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है, एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक। अब देखिए एक चीज आपको बता दें कि फ्रांसिस क्रिक ने यह सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है जिससे कि वो कोड को यूनिक तरीके से रीड कर सके। देखिए मान लो ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक, अब उस पर ये कोड है यू ए सी, दूसरा कोड है
GCU, तीसरा कोड है मान लेते हैं यू यू यू, ठीक है, ये मान लो 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है, और मान लीजिए यहां पर अमीनो एसिड है, ये सब अमीनो एसिड है। अब फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन जो है उसको कोड करता है यू यू यू, लेकिन फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है ऐसे ही मान लेते हैं ये कुछ और अमीनो एसिड, एक्स अमीनो एसिड है, ये वाई अमीनो एसिड है, तो ये सब अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है कि वो खुद जाकर के कोड को रीड कर सके, कोड को पहचान सके और हमको हाँ, और वो चला जाए यहां पर, ठीक। तो यहां पर साफ साफ लिखेंगे कि अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज, अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली, टू रीड द कोड यूनिकली, यानी कि वो कोड को विशेष रूप से एक खास तरीके से रीड कर सके, ऐसी कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है। तो कोडॉन को रीड कर सके और उसके मुताबिक अमीनो एसिड को यहां ले जा सके, इसके लिए खास तरह का मॉलिक्यूल की जरूरत थी, और वो मॉलिक्यूल ढूंढा गया कौन था, टीआरएनए। तो टीआरएनए एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, उसकी क्या विशेषता है कि वो एक तरफ तो कोड को रीड कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और दूसरे तरफ उस कोड के मुताबिक वो अमीनो एसिड को जो है वो अपने साथ जोड़ सकता है और वहां तक पहुंचा सकता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फ्रांसिस क्रिक ने ये चीज बताया था, ठीक है। तो फ्रांसिस क्रिक नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस क्रिक ने ये बताया था कि जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ठीक है, ऑन वन हैंड कैन रीड द कोड ऑन मैसेंजर आरएनए एंड ऑन द अदर हैंड बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड रिलेटेड टू दैट कोड। तो उस कोड से संबंधित जो अमीनो एसिड है उससे वो बाइंड कर सकता है, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए को ही सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, एसआरएनए भी कहा जाता है। तो टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एसआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को ही सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जब जेनेटिक कोड खोजा गया था उससे पहले ही इसके बारे में लोगों को पता था, तो ये पॉइंट बहुत यूनिक है कि इट वॉज नोन वेल बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। तो टीआरएनए वॉज नोन वेल बिफोर द नॉलेज ऑफ वेल बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी भूमिका एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में होती है, ये बाद में असाइन हुआ, तो हम टीआरएनए को मतलब हम उसको सॉल्युबल आरएनए के रूप में जानते थे, सॉल्युबल आरएनए के रूप में जानते थे इसको, लेकिन ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड का एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में, ये जानकारी हमको जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के बाद पता चली। तो ट्रांसफर आरएनए तब से नाम दिया जाने लगा, तो पहले हम इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते थे, देखो लिखा है ट्रांसफर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, यानी पहले जब ये ढूंढा गया, पहले जब ये इसके एग्जिस्टेंस का पता चला तो उसको हम सॉल्युबल आरएनए के रूप में जानते थे, लेकिन जब इसका रोल देखे कि अरे एक तरफ तो ये कोड को भी रीड कर सकता है और दूसरे तरफ ये उस कोड से संबंधित स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़ करके उसको हम पहुंचा देता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पर, यानी अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देता है वहां तक,
ये बाद में पता चला। तो टीआरएनए नाम बाद में मिला है, एसआरएनए नाम पहले से ही था इसका। तो यही कहा जा रहा है कि टीआरएनए वाज नोन वेल बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जेंटिकोड, और तब उसको हम एसआरएनए कहते थे। लेकिन टीआरएनए का जो काम है, जो असाइन हुआ कि अरे ये तो अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है, वो बाद में हुआ। ये चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट्स रोल इन ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, वही मतलब एज एडाप्टर मॉलिक्यूल, वॉज असाइन लेटर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। अब आइए ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको एनसीईआरटी बुक ने समझाया है बहुत शॉर्ट में। तो मान लेते हैं ये 5-2-3- ये मैसेंजर आरएनए है, और उसको हम कुछ कोडॉन का सीक्वेंस लिख लेते हैं। मान लीजिए ए जी यू लिख लेते हैं कोडॉन, ए जी यू ये कोडॉन है। ऐसे ही हमने दूसरा कोडॉन भी ले लेना है, यू ए सी, यू ए सी। तो ये हमने दो कोडॉन लिया है। तो अब देखिए जो ट्रांसफर आरएनए है वो कैसे आएगा, तो वो कैसे अटैच होगा करके इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसका एक 5' एंड होगा, इसका एक 3' एंड होगा, ठीक है। और इसमें एक लूप होता है जिसको कहा जाता है एंटीकोडॉन लूप। कौन सा लूप? एंटीकोडॉन लूप कहा जाएगा, क्योंकि कोडॉन के साथ वो पेयर करेगा। एंटीकोडॉन लूप होता है, और उसमें जो यहाँ यहाँ पर तीन बेसिस होंगे जो इस कोडॉन से पेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए के साथ टी की पेयरिंग होती है, तो उसमें यू होगा, जी के सामने सी होगा, और यू के सामने यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यानी यू सी ए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में पेयरिंग हो जाएगी और ये आकर के बाइंड कर जाएगा। तो दिस इज टीआरएनए। टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन लूप होता है, और एंटीकोडॉन लूप इस कोडॉन के साथ ये बाइंड करेगा। तो दिस इज एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन पाया जाता है किसके ऊपर? ट्रांसफर आरएनए पर। सो दिस इज एंटीकोडॉन, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एंटीकोडॉन, तो एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। तो एंटीकोडॉन इज लोकेटेड ऑन टीआरएनए, और वो किस लूप पर लोकेट करता है, उसी को एंटीकोडॉन लूप कहते हैं, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैसेंजर आरएनए पर 5' से 3' एंड की तरफ ए जी यू अगर सीक्वेंस है, तो ट्रांसफर आरएनए में यू सी ए सीक्वेंस है। यू सी ए सीक्वेंस, यू जो है वो 3' एंड पर होगा। देखो 3 वाले एंड पर यू होगा, और 5 वाले एंड पर क्या होगा, ए होगा, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग यहां भी हो रही है, यानी अगर मैसेंजर आरएनए पर 5' से 3' एंड पर अगर ए जी यू है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर अगर ये मान लो एम आरएनए है, ये क्या है, टी आरएनए है, तो यहां पर क्या होगा, ये 3' एंड पर यू होगा, और ए जो होगा वो 5' एंड पर। तो आप जो एंटीकोडॉन को रीड करते हैं वो 3' से 5' डायरेक्शन में रीड करते हैं। तो एंटीकोडॉन को कैसे पढ़ोगे, यू सी ए, यू सी ए, यू किस एंड पर है, 3' एंड पर है, 3' एंड पर यू है, और ए किस एंड पर है, 5' एंड पर। तो एंटीकोडॉन इज रेड इन 3-5' डायरेक्शन, और कोडॉन को हम रेड करते हैं 5-3' डायरेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो 3' एंड होता है वो अमीनो एसिड उससे अमीनो एसिड जुड़ा होता है, उसे अमीनो एसिड जुड़ा। तो यहां पर जो अमीनो एसिड जुड़ा होगा वो होगा सेरीन। तो ये जो अमीनो एसिड यहां जुड़ा है सेरीन, तो यानी कि ए जी यू ये कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है, सेरीन को। अब ये देखो एडाप्टर मॉलिक्यूल है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एक तरफ तो कोडॉन को रीड कर रहा है, एंटीकोडॉन से अपने पेयरिंग कर ले रहा है, दूसरे तरफ वो अमीनो एसिड से भी बाइंड कर ले रहा है जो कि इस कोडॉन के द्वारा बुलाया जाता है। तो इस तरह से टीआरएनए एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, ठीक है।
और अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बोलते हैं, तो थ्री डैश एंड जो होता है, तो थ्री डैश एंड ऑफ टीआरएनए एक्ट एज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो थ्री डैश एंड जो है वो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड का काम करता है, ठीक है। और इसमें जो एंटीकोडॉन की रीडिंग होती है वो थ्री डैश से फाइव डैश की तरफ होगी। U किस एंड के तरफ है? थ्री डैश के तरफ है। A किस एंड के तरफ है? फाइव डैश एंड के तरफ है। और पढ़ेंगे आप एंटीकोडॉन UCA, और कोडॉन किधर से किधर पढ़ते हैं? फाइव डैश से थ्री डैश एंड की तरफ पढ़ते हैं, AGU। क्लियर हो गया? तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है। और कई तरह के स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं, हर टीआरएनए हर अमीनो एसिड से नहीं जुड़ सकता, तो टीआरएनए इज स्पेसिफिक टू अमीनो एसिड। तो टीआरएनए इज स्पेसिफिक टू अमीनो एसिड्स, इसका मतलब हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होते हैं। तो टीआरएनए इज स्पेसिफिक टू अमीनो एसिड, यानी एक ही टीआरएनए कई अमीनो एसिड से बाइंड करेगा, ठीक है। सेम टीआरएनए cannot bind to different amino acids, ये मतलब हुआ। तो same tRNA cannot bind to different amino acids, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक initiation tRNA होता है जो एनसीईआरटी को जिक्र करती है, initiation tRNA वो tRNA है जो कि पहला अमीनो एसिड या पहले कोडॉन को पहचानता है। पहले कोडॉन को हर टीआरएनए नहीं पहचान सकता। किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस में या किसी भी मैसेंजर आरएनए में 5 डैश से 3 डैश एंड पर जो पहला कोडॉन होता है उसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, वो AUG होता है। पता चुके हैं आपको जेनेटिक कोड में, इट इज द फर्स्ट कोडॉन, इट इज द फर्स्ट कोडॉन ऑन एनी मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और ये जो कोडॉन होता है इसको हम इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, इसीलिए इसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये इनिशिएशन कोडॉन हो गया, फर्स्ट कोडॉन है या इनिशिएशन कोडॉन है AUG। और ये खास तरह के अमीनो एसिड को अपने पास बुलाता है जिसका नाम है मेथियोनीन, यानी कि किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस में जो पहला अमीनो एसिड जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेने, वो होता है मेथियोनीन। तो ऐसा टीआरएनए जो कि AUG कोडॉन के साथ अपने को बाइंड कर सकता है, यानी उसके पास जो एंटीकोडॉन होगा वो कौन सा एंटीकोडॉन होगा, कौन सा एंटीकोडॉन होगा? मान लो अगर AUG इज कोडॉन और इसको तुम रेड करते हो 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में, तो जो तुम लूप जो ट्रांसफर आपने जो लूप बनाएगा उसमें जो एंटीकोडॉन होगा, ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन होगा, तो A के सामने U आ जाएगा और U के सामने क्या आ जाएगा, A आ जाएगा और G के सामने C आ जाएगा, UAC, ठीक है ना। तो UAC जो होगा ये एंटीकोडॉन होगा ऑन टीआरएनए, और ये इनिशिएशन टीआरएनए होगा, इनिशिएशन टीआरएनए, ऐसी को इनिशिएशन टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इनिशिएटर टीआरएनए है, ठीक है। तो जो कि इनिशिएशन कोडॉन के पास जिस अमीनो एसिड को लेके जाता है वो अमीनो एसिड होता है मेथियोनीन। तो यानी वो पहला अमीनो एसिड जिसको कैरी करके टीआरएनए पहुंचाएगा पहले कोडॉन के पास, उसको बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए। तो आपको समझ में आ गया? तो इनिशिएटर टीआरएनए कैसा टीआरएनए होता है? जो कि इनिशिएशन कोडॉन से संबंधित अमीनो एसिड यानी मेथियोनीन को अपने 3 डैश एंड से जोड़ता है और ले जा करके उसको प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर पहुंचा देता है। AUG इनिशिएशन कोडॉन है, उसका एंटी कोडॉन उस टीआरएनए के पास होता है UAC, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो इनिशिएशन कोडॉन के लिए टीआरएनए अलग से होता है जिसको इनिशिएटर टीआरएनए कहा जाता है, लेकिन जो स्टॉप कोडॉन है, मान लीजिए यहां पर स्टॉप कोडॉन है, मान लो UA एक स्टॉप कोडॉन है, पता है 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, उसमें कोई स्टॉप कोडॉन अगर है
तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, यहाँ कोई टीआरएनए नहीं आता, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन टू रीड द स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन को कोई टीआरएनए रीड नहीं कर सकता, तो देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, यानी स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, यानी टीआरएनए किस कोडॉन को रीड नहीं कर सकता, टीआरएनए सभी कोडॉन को रीड कर सकता है, केवल किस कोडॉन को नहीं रीड कर सकता, स्टॉप कोडॉन को रीड नहीं कर सकता, इसलिए देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज लाइक क्लोवर लीफ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज लाइक क्लोवर लीफ, ये याद कर लेना है आपको, क्लोवर लीफ जो होता है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, पत्ती होती है, पेड़ की पत्ती होती है, उसके पत्ती में तीन लोग होते हैं, एक लोग ऐसा होता है, एक लोग ऐसा होता है, एक लोग ऐसा होता है, ये क्लोवर प्लांट की पत्ती में आपको उसकी पत्ती में तीन लोब्स दिखते हैं, ये हो गया स्टेम, इसको बोलते हैं लूप, ये हो गया स्टेम, इसको बोलते हैं लूप, ये हो गया स्टेम, इसको बोलते हैं लूप, तो स्टेम मतलब वो तना वाला स्टेम नहीं, पत्ती में ये जो पोर्शन होगा उसको स्टेम बोला जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, लूप बोला जाएगा, ये पोर्शन को स्टेम, इसको बोला जाएगा लूप, इसको बोला जाएगा स्टेम, इसको बोला जाएगा लूप, और इसको केवल स्टेम बोला जाएगा। तो क्लोवर नाम के प्लांट की पत्ती में तीन लोब्स होते हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए का होता है, कैसा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो रख लेना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए का कैसा होता है, क्लोवर लीफ जैसा होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि, और ये तो मॉडल है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें, अगर हम रियलिटी में देखें तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, तो एक्चुअली टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, और इनवर्टेड एल शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, जो ये इनवर्टेड एल शेप मतलब ऐसे, देखो ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है, और ऐसे ये तो लंबा कर लो, ये इनवर्टेड एल शेप, तो एक्चुअली टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है एल शेप्ड होता है, इनवर्टेड एल शेप्ड होता है, तो ये आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है, तो लुक लाइक इनवर्टेड एल शेप, इनवर्टेड एल शेप, तो पूछ देगा इनवर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर किसका होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, तो एक्चुअली टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल एंड लुक लाइक इनवर्टेड एल शेप। तो ये समाप्त हो गया टीआरएनए के बारे में जो चीज मिनिमम रिक्वायर्ड थी जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है।